शहर में अतिक्रमण कर रहे दुकानदारों पर विभाग की टीम ने शिकंजा कसते हुए करीब आधा दर्जन दुकानदारों के सामान जब्त किया है, जबकि एक दर्जन से अधिक दुकानदारों को सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया। विभाग की कार्यवाही से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दुकानदार सड़क पर सजाए सामान को समेटते हुए नजर आए। नगर परिषद ने तुरंत कार्यवाही करते हुए दोपहर बाद शहर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क पर अतिक्रमण कर रहे दुकानदारों का सामान मौके पर ही जब्त कर लिया गया। अधिकतर दुकानदारों को चेतावनी देकर छोड़ा गया ताकि दूसरी बार पकड़े जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा दुकानदारों को साफ सफाई रखने के भी निर्देश दिए गए। यही नहीं, औचक निरीक्षण टीम ने जब रेहड़ी धारकों से लाइसेंस मांगे तो अधिकतर रेहड़ी धारकों ने कूड़े की रसीद ही पेश कर दी। ऐसे में उत्तक रेहड़ी धारकों को भी कड़ी फटकार लगाई गई और उन्हें दूसरी बार शहर में अवैध रेड़ियां न लगाने के निर्देश दिए गए। नगर परिषद की कार्यवाही गांधी चौक से लेकर अस्पताल चौक तक लगाई गई। हालांकि टीम के निरीक्षण के उपरांत ही दुकानदारों व रेड़ी धारकों ने सड़क पर वैसे ही सामान सजा दिया। ऐसे में नगर परिषद की कार्यवाही पर स्थानीय लोगों ने भी सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि शहर की सड़कों पर अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। प्रक्रिया है, इसको हम बीच बीच में महीने में एक दो बार करते रहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग नालियाँ और दूसरा जो अतिक्रमण है वो कर लेते हैं। तो उस सिलसिले में हम इसको रूटीन में जो है इनको वार्निंग भी दे रहे हैं, और कुछ जो एक्स्ट्रा सामान इनका नालियों से आ गया उसको हम उठा भी रहे हैं, और साथ में सफाई के लिए भी इनको कह रहे हैं। इस तरह से अभियान है हमारा आज का।